दुबे, तुम मेरी कुर्सी पे। बॉस, डोंट बी क्रॉस। दुबे। बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते हैं। सही है बॉस। फैन फाइट है बॉस। सही टीम चुनो और बड़ा जीतो। Only on fanfight.com। बॉस मूव करो। नमस्ते, द ललन टॉप पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन। हरभजन सिंह ने 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। वो अनिल कुंबले का दौर था। हरभजन से पहले एक और स्पिनर टीम इंडिया में आया, सुनील जोशी। इंटरनेशनल विकेटों के मामले में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब उन्हें टीम इंडिया की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने सुनील जोशी को भारतीय पुरुष टीम की राष्ट्रीय चयन समिति का मुख्य चयनकर्ता चुना है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के रिश्तेदार सुनील जोशी को एमएस के प्रसाद की जगह चुना गया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने बताया, कमेटी ने सुनील जोशी को सीनियर मेंस चयन समिति के चेयरपर्सन के रूप में चुना है। एक साल के बाद सीएसी इन कैंडिडेट्स के काम का रिव्यू करेगी और बीसीसीआई को बताएगी। जोशी के साथ ही पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह को भी 5 सदस्य चयन समिति में जगह मिली। हरविंदर सिंह को सेंट्रल जोन की तरफ से चुना गया है। उन्हें 5 सदस्य पैनल में पूर्व चयनकर्ता गगन खोड़ा की जगह चुना गया है। इन दोनों के अलावा पैनल के बाकी 3 जो मेंबर्स हैं वो पुराने ही हैं। इनके नाम हैं जतिन परांजे, दिवांग गांधी और सरनदीप सिंह। सीएसके के सदस्य मदन लाल ने भी इस चयन के बाद कहा कि हमने इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को चुन लिया है। आपको बता दें कि सीएसई ने इंटरव्यू के लिए 5 सदस्यों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें सुनील जोशी और हरविंदर के अलावा वेंकटेश प्रसाद, राजेश चौहान और लक्ष्मण सिवारामाकृष्णन के नाम शामिल थे। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में मदन लाल के अलावा तेज गेंदबाज आरपी सिंह और सुलक्षा नायक भी शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर ही सुनील जोशी का फैसला किया है। सुनील जोशी चयन समिति में सबसे सीनियर भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 15 टेस्ट और 59 वनडे मैच खेले हैं। इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 1992 से 2010 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला। जोशी ने अपना पहला रणजी मैच 1992 में हैदराबाद के खिलाफ खेला था। उस मैच में जोशी ने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 86 रन भी बनाए थे, जिसमें दिग्गज स्पिनर अरशद अयूब की गेंदों पर 5 छक्के शामिल थे। ये मैच बाबरी मस्जिद विध्वंस की वजह से हुए दंगों के कारण सिर्फ 2 दिन ही हो पाया था। 1996-97 के दौर में भारत और कर्नाटक दोनों का बॉलिंग अटैक लगभग सेम ही हुआ करता था। श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, डोडा गणेश, डेविड जॉनसन, अनिल कुंबले, सुनील जोशी, ये सब कर्नाटक के ही थे। उस दौर में कर्नाटक रणजी चैंपियन था। जोशी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 615 विकेट अपने नाम किए। भारतीय टीम के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 1999 में आया। जोशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनी जाने वाली टीम की जिम्मेदारी अब इस नई चयन समिति पर होगी और चुने जाने के साथ ही उन्होंने एमएस धोनी पर बयान भी दे दिया है। अब देखना होगा कि चयन समिति दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसी टीम चुनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं हूँ विपिन। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए Instagram पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।